आखिर वो दिन आ ही गया भारत के इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में, जिस दिन भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। ये निमंत्रण पत्र देश के 6,000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इनमें 4,000 संत और 2,200 अन्य मेहमान हैं। साथ ही 6 दर्शनों यानी प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। हम आपको उस ओरिजिनल निमंत्रण पत्र की पहली झलक दिखा रहे हैं। कार्ड के कवर पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है। निमंत्रण पत्र को बेहद पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, हर अतिथि का QR कोड भी तय है। आने के समय गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह में प्राण प्रतिष्ठा की अवधि शामिल है। इसके कवर पर लिखा है, अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप की गई हैं, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेंगी क्या क्या है इसमें भेंट स्वरूप चीजें। निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम का समय और साथ ही विवरण दिया गया है। अतिथियों के आने का समय सुबह 11:30 रखा गया है। 11:30 से 12:30 तक गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:30 से अतिथियों का भाषण होगा, फिर मंदिर में दर्शन आरंभ हो जाएंगे। इस कार्ड में मेहमानों के लिए कुछ निर्देश और निवेदकों के नामों का जिक्र है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है। मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मूर्तिकारों के बीच किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन न करवाकर तीनों ही मूर्तियों को भव्य राम मंदिर में लगाया जाएगा। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी, इसका अंतिम निर्णय काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री लेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास व्रत रखेंगे। वह सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी है। अयोध्या में भाजपा के जिला प्रवक्ता रजनी सिंह ने PM के व्रत रखने की बात कही है। निमंत्रण पत्र में क्या है आपके लिए भेंट स्वरूप? अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की तस्वीर वाला कार्ड, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो छपा है। दूसरी भेंट एक छोटे से लिफाफे में रखा पीला अक्षत है। तीसरी भेंट कार्यक्रम वाले दिन के लिए वाहन पास, जिस पर वाहन नंबर लिखने की जगह है। साथ ही गूगल मैप का QR कोड भी है, जिससे अतिथि आसानी से पार्किंग एरिया तक पहुंच सकते हैं। चौथी भेंट संकल्प संपोषण पुस्तिका। इसमें साल 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों का संक्षिप्त विवरण है। इनमें सबसे पहले देवराहा बाबा और उसके अंत में अशोक सिंघल का जिक्र है। पांचवी भेंट कार्यक्रम की जानकारी देने वाला एक कार्ड है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अक्षत महंत नृत्य गोपाल दास के नाम है। तो कैसा लगा आपको यह निमंत्रण पत्र? अगर आप भी राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने से खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।